हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ये क्वेश्चन आपका गेट 2015 सेट टू में आया हुआ है। आप 588 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड, वेट 10 10 ग्राम। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास क्या है? 588, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो गया? ये आपका 588 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। वेट क्या है? वेट ऑफ सॉइल क्या हो गया? वेट ऑफ सॉइल आपका दिया हुआ है 10 10 ग्राम, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इट्स ड्राई वेट इज 918 ग्राम, ठीक है। ड्राई वेट आपका क्या दिया हुआ है? 918 ग्राम है, ठीक है। इसका मतलब ड्राई वेट का मतलब क्या होता है? ये तो वेट ऑफ सॉलिड ही होता है ना। ड्राई वेट मतलब वाटर है नहीं। जब वाटर है नहीं, इसका मतलब उसमें क्या है? केवल सॉइल सॉलिड है, ठीक है। सॉइल सॉलिड मतलब जो ड्राई वेट होता है उसमें क्या होता है? सॉइल ड्राई है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास दो ही फेज हो गए होंगे, एक तो सॉइल सॉलिड होगा और दूसरा क्या होगा? एयर होगा। तो ये आपका वेट ऑफ एयर तो आपको पता है जीरो होता है, ठीक है। और वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है? वही प्रेजेंट है। तो जब इसको वेट किया ना हमने, तो टोटल वेट हमारा जो आया है वो आया कितना? 918 ग्राम आया, ठीक है ना। और जब टोटल वेट यही आया, इसका मतलब वेट ऑफ सॉलिड ही है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड क्या हो गया? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड यह है 918 ग्राम हो गया, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। डेट इज जी इज इक्वल टू 2.67, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर बोल रहा है, डेट इज गामा डब्ल्यू इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो व्हाट इज वॉइड रेशियो? वॉइड रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले देखें तो वॉइड रेशियो होता क्या है? तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा? हमें वी निकालना होगा, हमें वीएस निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए, जी पता है हमें, ठीक है ना। हमें डब्ल्यू एस पता है, ठीक है ना। डब्ल्यू एस इजकल टू 19918 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो डब्ल्यू एस पता है, जी पता है। तो आपको पता है जी एस, जी क्या होता है? जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, दिस इज डब्ल्यू एस बाई वी एस इंटू गामा डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू जी का वैल्यू है 2.67, डब्ल्यू है 918 ग्राम, ठीक है। वी एस मुझे नहीं पता है, गामा डब्ल्यू 1 ग्राम पर सीसी है, सेंटीमीटर क्यूब है। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी एस निकाल लेंगे। वी एस हो जाएगा आपका 2.67 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो क्या आ जाता है वैल्यू? 918 अगर 2.67, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 343.82 और ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो टोटल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है ना, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, ठीक है। और ये आपको 588 दिया हुआ है, वी एस आपने निकाल रखा है 343.82, ठीक है। तो वीबी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सो वीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वीबी 588 माइनस 343.82 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 244.18 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे ई का वैल्यू बता दीजिए। ई इज इक्वल टू बी बी, बी बी 244.18, ठीक है। बी एस का वैल्यू क्या हो गया? दिस कम्स आउट टू बी 343.82, ठीक है। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.71, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या आ गया? ई का वैल्यू 0.71 आ गया, ठीक है। दैट्स ओके।